Good afternoon students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will do essay 2 जो हमारे पास worksheet है हम उसे करेंगे. Multiple choice question है. First one is tick the correct option, जो option correct है हमें उसे tick करना है. Matter existence, जो matter होते हैं वो कितनी forms में पाए जाते हैं? 3 forms में. Okay, as you know solid, liquid and gas, there are 3 states of matter. Which is the best soil for crop? Crop के लिए, फसल के लिए कौन सी soil सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? That is loamy soil. Brain is the part of, brain जो है वो किसका part है? That is a part of nervous system. जो brain है वो nervous system का part है. Incisors are used for, जो incisors teeth होते हैं उनका use किया जाता है cutting और biting दोनों के लिए. Okay, so both the answer will be right. What is the main source of heat? जो मेन सोर्स है आग का या गर्माहट का वो कौन सा? दैट इज सन. क्योंकि सन होता है उससे क्या होती है, पूरी तरीके से जितनी भी हीट चाहिए होती है वो हमें इजीली मिलती है. कोल अगर हम बर्न करेंगे भी उससे हमें हीट भी मिलेगी, लेकिन वो एक टाइम के बाद धीमे धीमे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. लेकिन जो सन होता है वो प्रॉपरली हमें हीट देता है, यानी सभी को एक साथ हीट देता है. फिलिंग द ब्लैंक्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ डैश रॉक. जो अर्थ क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? सॉलिड रॉक से बनी होती है, चट्टानों से बनी होती है. द डैश सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस. कौन सा हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल में करके रखता है? वो है नर्वस सिस्टम. डैश वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर जो होता है वो मेन सोर्स है पानी का. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. काम करने के लिए जब भी हमें ज़रूरत होती है वो किसकी होती है? ऊर्जा की. ऊर्जा की ज़रूरत होती है ताकि हम काम कर सकें. पॉल्यूशन कॉजेस मैनी. पॉल्यूशंस की वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है, कारण होता है. ट्रू एंड फॉल्स. स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट. क्या स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है? येस. ऑल मटीरियल्स हैव गुड टेस्ट. क्या जितने मटीरियल्स होते हैं उनके टेस्ट अच्छे होते हैं? नो. फॉल्स. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. जो फूड्स होते हैं क्या वो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए? येस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है? येस. क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट लिव. इवनली ह्यूमन बींग्स और इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी बर्ड्स, दे कांट लिव विदाउट वाटर. तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है. वी शुड चेक व्हीकल्स रेगुलरली. क्या हमें व्हीकल्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए? येस, हमें चेक करना चाहिए व्हीकल्स को रेगुलरली. मैच द कॉलम्स. बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, मिसल्स, रिंग वॉर्म, अमीबा एंड ट्यूबरक्लोसिस. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विल बी मैच विद ट्यूबरक्लोसिस. वायरस, मिसल्स, फंगी, रिंग वॉर्म, प्रोटोजोआ, अमीबा. ओके, तो इनके बारे में तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, इसलिए ज़्यादा डीपली मैंने इसे नहीं बताया आपको. ये जितने चैप्टर्स हमने पढ़े ना उसके बीच के क्वेश्चन ही है. ठीक है, फिर है इसके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे, लेकिन जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो रह चुके हैं, तो हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन हम अपने रिवीजन स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन जो हम अपने टेस्ट है वो भी लेना स्टार्ट कर देंगे. ओके, अपनी बुक में ही अच्छे से फिल करिएगा. थैंक यू.